आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है, लेकिन अब इंडिया को झटका लगा है, आईपीएल को झटका लगा है, आईपीएल के रोमांच को झटका लगा है, कई टीमों के कॉम्बिनेशन को झटका लगा है। और ये झटका इसे लगा है क्योंकि आईपीएल के कई सूरमा जो हैं वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के लिए रवाना हो रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में बातचीत चल रही थी कि इंग्लैंड क्रिकेट के जो भी खिलाड़ी हैं उन्हें रोक लिया जाए आईपीएल प्लेऑफ तक के लिए, लेकिन नतीजा बीसीसीआई के पक्ष में नहीं आया। बीसीसीआई से शायद ये बात नहीं बन पाई है और इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल बीच में छोड़कर भाग गए हैं। चंद रोज पहले हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जब आईपीएल छोड़कर जाएंगे तब भारतीयों को पता लगेगा कि कितना बड़ा झटका पाकिस्तान की तरफ से उन्हें मिला है। और अब भारतीय मीडिया वाले जो कि बड़े बड़े नाम निहाद एंकर्स हैं जो ये कहते थे कि हम किसी न किसी तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स को पाकिस्तान की सीरीज खेलने से रोकेंगे, जैसे कि आयरलैंड के एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेली बल्कि आईपीएल को प्रेफर किया, लेकिन इंग्लैंड ने उन तमाम प्लेयर्स को वापस बुला लिया है जो इस वक्त नेशनल टीम का हिस्सा है या T20 वर्ल्ड कप जाएंगे, जिनकी तादाद तकरीबन 6-7 बनती है, जो इस वक्त आईपीएल के एंड के मौके पर जब आईपीएल अपने अहतमाम की तरफ गामजन है, प्लेऑफ्स की टीमें फाइनल हो रही हैं, तब वो अपनी टीमों को छोड़कर वापस अपने मुल्क यानी इंग्लैंड पहुंच भी चुके हैं। जोस बटलर, मोइन अली, इसके अलावा ऐसे कई बड़े नाम जो कि आईपीएल के टॉप परफॉर्मर होने के साथ साथ अपनी फ्रेंचाइज के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुए थे, वो इस वक्त आईपीएल छोड़ चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा झटका पूरी लीग को पड़ा है क्योंकि वो टीमें जो बमुश्किल प्लेऑफ तक पहुंची हैं अब वो अपने ओपोनेंट के सामने अपने मेन खिलाड़ियों को खो चुकी हैं। भारतीय सारे मामले पर कैसे पाकिस्तान को कोसते दिखाई दे रहे हैं, आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है। हाँ, आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है गुरु, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ना पड़ा। अभी खबर थोड़ी हैरान करती है क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं या पाकिस्तान में पीएसएल खेलना छोड़ देते हैं और इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी जब पाकिस्तान आयरलैंड गई तो आयरलैंड के भी एक खिलाड़ी जोशुआ लिटिल, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे। लेकिन अब इंडिया को झटका लगा है, आईपीएल को झटका लगा है, आईपीएल के रोमांच को झटका लगा है, कई टीमों के कॉम्बिनेशन को झटका लगा है। और ये झटका इसे लगा है क्योंकि आईपीएल के कई सूरमा जो हैं वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया था कि हमारे लिए नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, हम आपको आईपीएल खेलने ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारा मामला गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, लिहाजा हम चाहते हैं हमारी टीम जो है वो बेहतर तरीके से फिट हो, फाट हो। और अब इंग्लैंड के खिलाड़ी इंडिया छोड़कर इंग्लैंड वापस गए हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। जिन दो टीमों को सबसे बड़ा झटका लगा है उनमें एक टीम है आरसीबी और दूसरी टीम है आरआर। आरसीबी और आरआर के लिए झटका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरसीबी से जो खिलाड़ी गए हैं उनका नाम विल जैक्स है, रीस टॉपली है, और आरआर से जो खिलाड़ी गए हैं वो जॉस बटलर हैं, जिन्होंने थैंक यू सो मच गुड बाय टू टाटा आईपीएल 2024 कह दिया। बटलर कप्तान है, विल जैक्स इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ऐसे में यह झटका एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दें कि कई सारे प्लेयर ऐसे हैं, खाली ये दो नहीं, चेन्नई वालों को मोइन अली के नाम को झटका लेगा क्योंकि मोइन अली T20 क्रिकेट खेलते हैं, पंजाब वालों को जॉनी बैरिस्टर को झटका लेगा, तो चलिए पंजाब तो थैंक यू सो मच हो गई है तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स से झटका देंगे, सैम करन तो पंजाब के कप्तान है, वहां तो कप्तानी उठा लिया जाएगा कि भाई साहब कैप्टन ही थैंक यू सो मच हो गया। आरसीबी से विल जैक्स जा रहे हैं, केकेआर को झटका लगेगा फिल सॉल्ट का, रीस टॉपली जो है वो आरसीबी से जा रहे हैं, बट सबसे बड़ा झटका जो है मेरे हिसाब से तीन टीमों को जाने वाला है। एक फिल सॉल्ट केकेआर, क्योंकि केकेआर के लिए फिल सॉल्ट ने कई मैचेस में वन मैन शो दिखाया, जबरदस्त बल्लेबाजी की है, जबरदस्त पारी खेली है, और ऐसी पारी जिसके बाद दुनिया उनकी मुरीद हो गई थी, तो वो एक पारी का जाना अपने आप में हैरान करता है कि यार बड़ा खिलाड़ी जा रहा है। दूसरा विल जैक्स का जाना आरसीबी के लिए ऑफकोर्स बहुत बड़ा झटका है। मोइन अली एक झटका है क्योंकि मोइन अली ने बीते कुछ मैचेस में सीएसके के लिए वापसी करवाई थी और सीएसके को काफी फायदा दिया था, और 18 तारीख का जो मुकाबला है वो इससे थोड़ा सा प्रभावित होगा क्योंकि दोनों के मिडिल ऑर्डर से एक एक ऑलराउंडर जो है थैंक यू जाएगा। विल जैक्स इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है क्योंकि 230 रन बनाए हैं 32 के एवरेज से, 175 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन मेरे हिसाब से वो किस्मत लेकर आए थे, आरसीबी में आए तो किस्मत लेकर आए थे। रीस टॉपली के जाने से बहुत फर्क पड़ता नहीं क्योंकि 4 ही विकेट निकाले हैं, बहुत मौका उन्हें मिला नहीं है, ऐसे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैक्स के रिप्लेसमेंट में शायद आपको मैक्सवेल नजर आ जाएं, या अगर इंडियन खिलाड़ी में जाएंगे तो शायद अनुज रावत को मौका मिल जाए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को झटका लगेगा, राजस्थान को झटका लगेगा बिकॉज जॉस बटलर एक बड़े प्लेयर है, यशस्वी जायसवाल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ऐसे में बटलर जब जाएंगे तो उनका ओपनिंग लॉट थोड़ा खराब हो जाएगा, वो ओपनिंग में किसे मौका देंगे ये सोचने वाली बात होगी क्योंकि राजस्थान जब जब खेलती है तो बटलर उनके लिए ओपन करते हैं। बटलर के अलावा ऑप्शन बीते कुछ सालों में एक्सप्लोर किया नहीं गया था, बटलर और जायसवाल, जायसवाल का आउट ऑफ फॉर्म होना, बटलर का गायब होना,
इस टीम को झटका दे सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में बातचीत चल रही थी कि इंग्लैंड क्रिकेट के जो भी खिलाड़ी हैं उन्हें रोक लिया जाए आईपीएल प्लेऑफ्स तक के लिए, ताकि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो भाग ले सके प्लेऑफ्स में भी। काफी लंबी बातचीत हुई होगी बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच में, लेकिन नतीजा बीसीसीआई के पक्ष में नहीं आया है। बीसीसीआई से शायद ये बात नहीं बन पाई है और इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल बीच में छोड़कर भाग गए हैं। जी हाँ, अब इसमें बड़े खिलाड़ियों का नाम भी सामने आ रहा है, इसमें बहुत बड़ी टीमों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके खिलाड़ी जो है वापस घर जा रहे हैं। और अभी अभी काफी ज्यादा नामों की चर्चा भी की जा रही थी कि इंग्लैंड की तरफ से कौन से वो खिलाड़ी होंगे। हालांकि आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा है उसमें टॉस जो है वो तो डिले हो गया है बारिश की वजह से और खराब मौसम की वजह से, टॉस जो है वो तो डिले हो गया है। लेकिन फिल सॉल्ट एक ऐसे खिलाड़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में जो कि ये वाला मैच खेलकर वो भी वापस लौट जाएंगे इंग्लैंड, यानी कि आगे के मैचेस के लिए फिल सॉल्ट केकेआर के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी और नाम है जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो खिलाड़ी हैं वो वापस लौट गए हैं, उसमें आरसीबी की टीम को भी झटका लगा है और उसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम को भी झटका लगा है। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर स्टार बल्लेबाज जॉस बटलर भी वापस जा चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स का कैंप उन्होंने छोड़ दिया है और अब राजस्थान रॉयल्स की टीम भी कहीं ना कहीं संकट में आती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं की है और ये चर्चा चल रही थी कि शायद प्लेऑफ के दौरान ही ये खिलाड़ी जो है वापस जाएंगे, कम से कम लीग मुकाबले तो खेलकर जाएंगे, लेकिन अभी भी राजस्थान रॉयल्स के जो मुकाबले बचे हुए हैं वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे जॉस बटलर। राजस्थान रॉयल्स क्या मुश्किल में फंसती हुई नजर आएगी, बड़ा सवाल है। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनके लिए भी अब दिक्कतें आ गई हैं क्योंकि विल जैक्स और रीस टॉपली ये दो खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जो कि वापस जा चुके हैं और फोटोज भी काफी सारी यहां पर शेयर की गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। काफी सारी तस्वीरें हमें अब देखने को मिली है जहां पर गले लगते हुए दिखाई दे रहे हैं विल जैक्स और बैग टांगा हुआ है उन्होंने और आरसीबी के खिलाड़ियों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वापस कैंप छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उन तस्वीरों में। यानी कि विल जैक्स, रीस टॉपली आरसीबी का कैंप छोड़ चुके हैं और काफी ज्यादा पोस्ट वायरल भी हो रही है इनकी कि वी विल मिस यू विल जैक्स एंड रीस टॉपली आरसीबी की टीम और जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स की टीम से। और ये वाला मैच खेलने के बाद फिल सॉल्ट भी केकेआर का कैंप छोड़ देंगे, यानी कि जो बातचीत की जा रही थी बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच उसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई असफल रही है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मनाने की जो कोशिश चल रही थी कि आप अपने प्लेयर्स को अभी वापस मत बुलाइए वो कहीं ना कहीं नाकाम हुई है और इंग्लैंड के प्लेयर्स अब वापस लौटना शुरू हो गए हैं। प्लेऑफ्स में अभी भी काफी सारे दिन बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेऑफ्स तुरंत ही, अभी एक हफ्ते से ज्यादा का समय, एक हफ्ते के आसपास का समय बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले ही ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं इन्होंने कैंप छोड़ना आईपीएल टीम्स का शुरू कर दिया है और इंग्लैंड खेलने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो टी20 सीरीज खेली जाएगी इसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाया था, उन्होंने कहा था कि आप रीजॉइन कीजिए, आप रीग्रुप कीजिए, एज ए यूनिट खेलते हुए दिखाई दीजिए, क्योंकि आपको पता है 2 जून से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने जो पूरी टीम है उसको एकजुट कीजिए, एक साथ कीजिए।